सो गाइज अगर आप भी मेरी तरह माइनक्राफ्ट खेलते हो और माइनक्राफ्ट में गाइज जो है यहाँ पर अभी तक आपने 1.20 अपडेट इंस्टॉल नहीं किया अपने मोबाइल में, तो आज के लिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 1.20 इजीली यहाँ पर अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आपने प्ले स्टोर से किया है इंस्टॉल माइनक्राफ्ट, ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्ले स्टोर में अपडेट का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन अगर आपने क्रोम वगैरह से किया है, यहाँ पर थर्ड पार्टी तरीके से यहाँ पर आपने माइनक्राफ्ट को इंस्टॉल किया, तो उसमें यहाँ पर आपको कोई अपडेट का ऑप्शन नहीं आएगा प्ले स्टोर में जाके, ठीक है। तो इसके लिए आपको कौन यहाँ पर 1.20 को यहाँ पर इंस्टॉल करने के लिए क्या करना होगा, आज के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो मैंने तक बने रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्लीज चैनल पर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी ब्राउजर आपके मोबाइल में अभी अवेलेबल हो आप उसे ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ क्रोम ब्राउजर ओपन, ठीक है। उसके बाद गाइस जो मैं स्टेप्स बताने वाला हूँ आपको उन्हें ध्यान से फॉलो करना है। अब यहाँ पर आपको सर्च बार में आ जाना है और यहाँ पर आपको लिखना है माइनक्राफ्ट 1.20 डाउनलोड APK 2023। इस तरह से आपको टाइप कर देना है। अब गाइस जैसे आप लिख देते हो उसके बाद आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट्स यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब इनमें से गाइस आप कोई भी ओपन कर सकते हो। वैसे यहाँ पर मैं कर लेता हूँ androiddp1.com, ठीक है। अभी के लिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ एक बार। और ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पर इस तरह से आ चुका है डाउनलोड माइनक्राफ्ट पोकर एडिशन 1.20, ठीक है। डाउनलोड पर क्लिक कर लेते हैं हम नीचे। अब डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद तीन ऑप्शन मिलेंगे आपको, आपको सिंपली करना क्या है। यहाँ पर पहला ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड APK v1.20.20.23 और यहाँ पर 202 MB की यहाँ पर ये फाइल है। आपको पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जिसे आप क्लिक करते हो यहाँ पर 7 सेकंड आपको वेट करना होता है। उसके बाद इस तरह से यहाँ पर ब्लॉक कर देते हैं। बहुत सारी एड्स आपको मिलती है वेबसाइट्स वगैरह में, ठीक है। तो आप इन्हें सिंपली क्लोज कर लीजिएगा। उसके बाद डाउनलोड पर क्लिक करना है, ठीक है। बैक कर दीजिए एक बार, तो डाउनलोड पर क्लिक कर लेते हैं। इस तरह से आएगा, दोबारा से बैक करेंगे और गाइस यहाँ पर आपको 2-3 बार बैक करेंगे, यहाँ पर आपके सामने आ चुका है डू यू वांट टू डाउनलोड माइनक्राफ्ट पोकर एडिशन 1.20, ठीक है। तो अभी हम सिंपली डाउनलोड एनीवेयर पे क्लिक करते हैं। वैसे गाइस यहाँ पर मेरे पास अभी 1.20 मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखी है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं अभी 1.20 माइनक्राफ्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, एकदम स्मूथली यहाँ पर रन करती है, ठीक है। तो अभी गाइस जैसे आपकी इंस्टॉल हो जाती है, उससे पहले आपको एक काम कर लेना है। जब तक इंस्टॉल हो रही है आपको जो पुरानी माइनक्राफ्ट है आप उसे डिलीट कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो उसके वर्ल्ड वगैरह के बैकअप वर्ल्ड वगैरह आपने बनाए होंगे उनका बैकअप ले सकते हो, ठीक है। बैकअप को सेव करने के बाद आप ये माइनक्राफ्ट इंस्टॉल करिएगा। इसमें आपको सिंपली वर्ड वगैरह आप इंपोर्ट करके इजिली रन कर सकते हो, ठीक है। आपके मोबाइल में यहाँ पर 1.20 इजिली रन करेगा, कोई इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो वीडियो कैसी लगी वीडियो को कमेंट करके जरूर बताना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल।